देखने के लिए पूरा थिएटर भरा हुआ था, तो मूवी देखने के लिए आपको दो बधाई देगा, क्या कुछ ऑडियंस से कहना चाहते हैं? डेफिनेटली एक मराठी मूवी है, बट अगर आप अपनी मूवी देखोगे तो इसका जो पूरा स्टाइलिंग हुआ है, जो पूरा जॉनर है, ये बहुत ही बॉलीवुड बेस्ड मूवी है और मराठी इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इतना बिग बजट नहीं थी और इतनी ज़्यादा मतलब हर एक कास्ट, हर एक चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो मेकअप का एक्शन डायरेक्टर हो, बहुत बारी कैसे इन लोगों को लाया है प्रोजेक्ट में. एंड यस, इट्स गोना बी अ वेरी लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट और इट्स अ टर्निंग पॉइंट एक्चुअली फॉर मराठी इंडस्ट्री. और सॉन्ग की बात की जाए तो काफ़ी धूप में सॉन्ग को किया गया है, किस नज़रिए से और क्या माहौल रहा है, मौसम रहा है सॉन्ग के? अच्छा, हमने जो लक्षण किया लक्षण था बाइक में, हमने शूट किया है, बहुत ही ज़्यादा धूप थी और अपने अंदर देखा होगा गाना, सॉरी ऑडियंसिस ने देखा ही होगा गाना. हम बहुत ही ज़्यादा धूप में शूट कर रहे थे एंड पर हमको एक चीज़ पता थी, क्योंकि राहुल जी और ने वो गाना शूट किया है जो गणेश आचार्य की असिस्टेंट है, कि ये गाना दिखने में बहुत सुंदर था, इसलिए जितना भी मेहनत किया थी बिकॉज वर्थ इट. एंड होली सीक्वेंस अगर आप देखोगे तो यही हमने लोगों को लेकर चॉइस में शूट किया है, गणेश आचार्य जी सॉन्ग के प्रोग्राम है और मेरे लिए उनके साथ काम करना ही बहुत अच्छा. लास्ट मैसेज कोई आपको ऑडियंस से देना चाहेंगे? यस, मैं आप सबसे विनती करना चाहती हूँ कि 6 जनवरी को सूर्या रिलीज हो रही है, प्लीज़ गो टू नियर बाय थिएटर्स एंड डेफिनेटली वॉच इट. ओके, थैंक यू. थैंक यू.